विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को लेकर त्रिवेंद्रम से मॉरिशस जा रहे वीवीआईपी विमान मेघदूत का शनिवार को कुछ देर के लिए शेष दुनिया से संपर्क कट गया। यह हादसा तब हुआ जब सुषमा को लेकर जा रहे एम्ब्रायर 135 लीगेसी का संपर्क मॉरिशस में प्रवेश के बाद मॉरिशियन हवाई यातायात नियंत्रण से कुछ देर के लिए टूट गया। अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने सिंगापुर में चीन के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चीन ने विवादित दक्षिण चीन सागर में अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों की तैनाती धौंस और दादागिरी दिखाने के इरादे से की है। भारतीय नौसेना ने यमन के सोकोट्रा द्वीप पर चक्रवात के कारण फंसे करीब 38 भारतीयों को निकालने के लिए अपना पोत भेजा है। भारतीयों को निकालने के लिए नौसेना ने ऑपरेशन निस्तार के तहत INS सुनेना को पहले ही तैनात किया था। म्यांमार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थोंग टून ने कहा है कि उनका देश सभी रोहिंग्या मुसलमानों को वापस लेने के लिए तैयार है, शर्त यह है कि रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार वापस लौटना चाहे। मेघालय की राजधानी शिलोंग में दो दिनों की हिंसा के बाद तनाव का माहौल है। दो दिन से जारी कर्फ्यू के बीच प्रशासन ने आज थोड़ी ढील दी है। गुरुवार रात दो गुटों की झड़प के बाद मामला स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई में तब्दील हो गया है।